सिंगरौली जिले के शासन चौक के अंतर्गत खमरिया निवासी नाबालिग छात्रा रीता शाह के अपहरण और हत्या की घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने शासन पुलिस चौकी का घेराव करते हुए हत्यारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। चौकी घेराव के दौरान मौजूद लोगों ने चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया। भाजपा के विधायक सुभाष वर्मा, भाजपा नेता रामनिवास शाह, आम आदमी पार्टी नेता संदीप शाह, एबीवीपी बजरंग दल सहित कई पार्टियों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि खमरिया निवासी छात्रा रीता शाह का आलम अंसारी नामक युवक पर अपने सहयोगी की मदद से अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम देने का आरोप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने आरोपियों के बचाव का प्रयास किया है। एडिशनल एसपी सिंगरौली प्रदीप शिंदे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो आरोपी अनुसंधान में मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चौकी के सामने प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। नाबालिग मृत बालिका के घर भाजपा सिंगरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी जिला के मुखिया होने के नाते यह घटना जब से घटी है लगातार जिला प्रशासन पर बात करते हुए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हों या यहाँ के स्थानीय टीआई हों और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस हत्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आरोपी व्यक्ति था वह पुलिस की गिरफ्त में भी ले लिया गया है। जहाँ तक बात है उनसे उस आरोपी के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति उसकी भी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। जैसे मुझे जानकारी मिली बहुत दुखद घटना हुई है इस परिवार में और घटना से पहले जो पूर्व की जांच थी जो लोग एफ आई आर का लिखवाने जब आते मैंने एस पी कार्यालय में मैं एस पी साहब से बात किया था और जैसी घटना की जानकारी मिला और जैसे मुझे परिवार को देखने के लिए जानकारी मिलते ही मैं शासन चौकी में सब एकत्रित हमारे एबीपी के विद्यार्थी पर उनकी कुछ मांगे थी कि तत्कालीन जो हमें फिर एस पी साहब से बात कर और जानकारी लिया कि उसको निष्पक्ष जाँच और एस पी साहब ने कहा कि स्वयं मैं जांच कर रहा हूँ, इसकी चिंता की नहीं, मैं तत्काल जो दोषी पाए तत्काल से तत्काल कार्रवाई करूँगा जो भी दोषी पाए। बिल्कुल, रीता शाह की निर्संग हत्या के बाद पूरा शहर सदमे में है और मेरा यही कहना है क्योंकि मानवाधिकार आयोग का भी जिले का दायित्व है मेरे पास, तो मैं मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश और मानवाधिकार आयोग राष्ट्र से और तमाम गवर्नमेंट के सभी आला कमान से मेरा एक ही निवेदन है कि न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिसमें कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो मुख्य आरोपी है, सह आरोपी आज भी फरार हैं, तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए एज पर पॉक्सो एक्ट। और ये जघन्य अपराध है, मैं ये समझती हूँ कि निर्भया से भी ज्यादा विभत्स घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।